आज है ना हम लौकी को बनाएंगे मूंग दाल के साथ। मूंग दाल को लिया है और उसको धो लेंगे अच्छे से और उसको पकने को रख देंगे हल्दी और नमक डाल के। पक जाए जब 10-15 मिनट्स में, तो हम लौकी को पील कर लिया है और उसको धो लेंगे, और काटने के बाद नहीं धोएंगे इसको, इस तरह से स्लाइस में काट लेंगे, तो और इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। ज़्यादा बड़े क्यूब्स भी नहीं, ज़्यादा छोटे क्यूब्स भी नहीं, एकदम छोटे भी नहीं, एकदम बड़े भी नहीं, मीडियम में काटेंगे इस तरह से। तो हमारी लौकी कट चुकी है, तो एक कढ़ाई लिया, वापस कुकिंग ऑयल डालेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, जीरा लाल होने तक फ्राई करेंगे, और उसमें डाल दिया है लहसुन और प्याज। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करते हैं तो प्याज को ब्राउन होने के बाद ऐड करेंगे, और ग्रीन चिल्ली ऐड किया। अब डाल देंगे इसमें कटी हुई लौकी। लौकी में डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून करी पाउडर, और नमक डाल के सेट करेंगे। इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम में, और पकने देंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, जो पक गई है तो इसमें पानी ऑलरेडी नीचे से छोड़ दिया है। तो अब इसमें जो पकी हुई दाल हम ऐड कर देंगे, और नमक सेट कर ले। अब दाल के साथ थोड़ी देर पका लेने के बाद उसको वापस मिक्स कर लेंगे, तो हमारा दाल रेडी है, सब्जी रेडी है। तो उसको ग्रीन कोरिएंडर के साथ फिनिश करेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, चावल के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।